Good morning, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your TK class. Dear kids, today we will do our page number 20. Okay, I am repeating. Today we will do our page number 20. Okay, and this is about animal word. ये किसके बारे में है? एनिमल वर्ड के बारे में. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सबसे फर्स्ट पॉइंट से, द स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड. ओके, यहाँ पे आपको फिलअप आ सकता है. द स्मॉलेस्ट बर्ड इज, स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है? हमिंग बर्ड. ये सबसे छोटा बर्ड होता है. ऐसे भी आ सकता है, नेम द स्मॉलेस्ट बर्ड, ठीक है, या फिर द स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड. फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है. इट कैन इवन फ्लाई बैकवर्ड. ज़्यादातर जो आपके बर्ड्स हैं वो आगे की तरफ उड़ते हैं, ये पीछे की तरफ भी फ्लैप करके उड़ सकता है. क्लियर है? तो ये आपको करना है लर्न. सेकेंड आता है, सम फ्रॉग प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग पॉइजन टू स्टॉप अदर एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग दैम. कुछ फ्रॉग्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन, जहर, ताकि दूसरे एनिमल्स उनको खा ना सके. क्लियर है? थर्ड आता है, जिराफ आर द टॉलेस्ट मैमल्स ऑन द अर्थ. ये भी लर्न करना है. इसमें क्वेश्चन बनता है, नेम द टॉलेस्ट मैमल ऑन द अर्थ. टॉलेस्ट मैमल कौन सा है? तो वो आंसर क्या आएगा? जिराफ. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है. डैश इज द टॉलेस्ट मैमल, या फिर नेम द टॉलेस्ट मैमल ऑन द अर्थ, ठीक है. नेक्स्ट वाला भी आपको लर्न करना है. डैश इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल. सबसे फास्टेस्ट भागने वाला एनिमल कौन सा है बेटा? चीता, ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे मैम, चाहे आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है. चीता इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. चीता जो है वो सबसे फास्टेस्ट एनिमल है. फिर आता है, अ वेल इज नॉट अ फिश बट अ मैमल. वेल जो है वो एक फिश नहीं है, वो कौन है? मैमल है, ठीक है. ये भी आपको आ सकता है कि एक ऐसी फिश का नेम बताइए जो फिश नहीं है लेकिन वो मैमल है, ठीक है. तो वो कौन सा आएगा? वेल. वेल इज नॉट अ फिश, ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएगा, बट अ मैमल. मैमल कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो दूसरे बेबीज को पैदा करते हैं. क्लियर है? फिर आता है ये वाला, आपने लर्न करना है, द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इज. लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है बेटा? एलिफेंट. सबसे बड़ा लैंड एनिमल कौन सा है आपका? एलिफेंट. एक ये क्वेश्चन आ सकता है. फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल डैट फर्स्ट वेंट इन टू द स्पेस इन अ स्पेस क्राफ्ट. कि सबसे पहले कौन सा एनिमल है जो स्पेस क्राफ्ट में गया था, वो कौन सा एनिमल था आपका? डॉग. क्लियर हो गया बेटा? ये जितने भी मैं आपको टिक मार्क कर रही हूँ, डबल टिक कर रही हूँ, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं, चाहे मैं इनको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछूँ, चाहे मैं आपको क्वेश्चन बना के पूछूँ. ओके, नेक्स्ट आता है द शॉर्टेस्ट स्नेक. अगर सबसे छोटा स्नेक पूछते हैं तो कौन सा बताएंगे आप? थ्रेड स्नेक. सबसे शॉर्टेस्ट, छोटा, तो आएगा थ्रेड स्नेक. और अगर सबसे बड़ा पूछते हैं तो आपने कौन सा बताना है? एनाकोंडा. लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, तो कौन सा स्नेक आएगा? एनाकोंडा. और सबसे छोटा पूछेंगे तो आप बताएंगे थ्रेड स्नेक. क्लियर है? उसके बाद आता है, ये भी आपको लर्न करना है. ओके, यस बेटा, नेक्स्ट इज अ न्यू बॉर्न बेबी कंगारू मेजर्स अबाउट 2 सेंटीमीटर. एक न्यूली बॉर्न बेबी कंगारू का जो न्यूली बॉर्न बेबी है वो कितना होता है? 2 सेंटीमीटर. और वो पाउच के अंदर तब तक रहता है 6 मंथ तक. वो अपनी मदर का जो ये पाउच होता है वो यहाँ पे कब तक रहता है? जब तक कि वो 6 मंथ्स का नहीं हो जाता, ठीक है. नो टू ज़ेब्रास हैव एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ स्ट्राइप्स. जो ज़ेब्रा हैं आपके, ठीक है, ये जो ज़ेब्रा हैं इनके ऊपर जो ये बॉडी पे जो आप स्ट्राइप्स देख रहे हो, जो निशान देख रहे हो, कहता है कि किसी भी 2 ज़ेब्रा के ये सेम नहीं होते हैं. हर एक ज़ेब्रा के जो स्ट्राइप्स का पैटर्न है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. नेक्स्ट आता है, ये आपको लर्न करना है. एन इलेक्ट्रिक ईल इज अ वाटर फिश दैट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट. कि कौन सी फिश है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, वो उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक ईल इसका नाम है फिश का. ये वाटर में रहने वाली फिश है. नेक्स्ट आता है, ये भी लर्न करना है आपको. डैश इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. रेयरेस्ट एनिमल कौन सा है? जाइंट पांडा. ये रेयरेस्ट एनिमल का मतलब है कि बहुत मुश्किल से मिलता है ये एनिमल, ठीक है. फिर आता है लास्ट, डैश फ्लाई इज द फास्टेस्ट इंसेक्ट. सबसे फास्ट दौड़ने वाला इंसेक्ट कौन सा है? ड्रैगन फ्लाई. क्लियर है? यस बेटा, नेक्स्ट पेज नंबर 22.
इसमें आता है टेस्ट योर विजडम। अभी तक हमने जितने भी पीछे पेजेस पढ़े हैं उन सबसे रिलेटेड है ये, ठीक है। इसमें कहता है फाइंड द ऑड वन आउट। अब आपने इसमें ऑड वन आउट यानी कि ऑड चीज़ को ढूंढना है। जैसे इसमें दिया हुआ है पैरट, कैट, लिजर्ड, एंट। इसमें कैट को सर्कल किया हुआ है, क्यों? क्योंकि जो पैरट है, लिजर्ड है, एंट है, ये तीनों एग लेइंग एनिमल्स हैं। ये एग देते हैं, उनमें से बेबीज निकलते हैं, लेकिन कैट जो है वो डायरेक्टली बेबी प्रोड्यूस करती है। फिर आता है लोटस, बैम्बू, मैरीगोल्ड, रोज़। अब आपको पता है ये तीनों तो फ्लावर्स के नेम है, लेकिन बैम्बू जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास, तो हमने इसलिए इसको सर्कल कर दिया। क्लोव, पेपर, टर्मरिक, ब्रिंजल। अब आपको पता है क्लोव, पेपर और टर्मरिक ये स्पाइसेस हैं, और आपका ब्रिंजल जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेबल, ये वेजिटेबल का नेम है, हमने इसको सर्कल कर दिया। बाकी तीनों जो मेरे स्पाइसेस हैं, मरकरी, वीनस, मार्स एंड मून, इसमें हमने मून को सर्कल किया है क्योंकि मून इज़ अ सैटेलाइट, और बाकी जो मेरे तीनों हैं वो प्लैनेट्स के नेम हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है चिकन पॉक्स, मलेरिया, कॉलरा, योनिंग। बाकी तीनों जो मेरी है वो डिजीज़ के नेम है, लेकिन ये डिजीज़ नहीं है। कार, मेट्रो, बस, स्कूटर, ये तीनों मेरे लैंड ट्रांसपोर्ट हैं, लैंड पे चलते हैं, और मेट्रो जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेन, ये डिफरेंट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। आपको ट्रू फॉल्स कर रहे हैं। ईटिंग जंक फूड कॉज मैनी डिजीजेज, यस। जंक फूड आप खाओगे तो आपको बहुत डिजीजेज होंगी, तो ट्रू आएगा। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, वेस, ये भी राइट है क्योंकि नेशनल फ्लावर है हमारा। एनाकोंडा शॉर्टेस्ट स्नेक है, नो। थ्रेड स्नेक है सबसे शॉर्टेस्ट, एनाकोंडा जो है वो लार्जेस्ट स्नेक है। सैटर्न हैज़ लाइफ एंड वाटर, सैटर्न पे क्या लाइफ और वाटर दोनों हैं? नो, वो किस पे है? अर्थ पे। अगर लाइफ और वाटर होती तो हम सैटर्न पे जिंदा होते, हम सैटर्न पे रहते ना कि अर्थ पे। जाइंट पांडा इज़ द रेयरेस्ट एनिमल, यस। जाइंट पांडा बहुत मुश्किल से मिलने वाला एनिमल है, तो इसलिए ये आएगा ट्रू। आर सोलर सिस्टम हैज़ 9 प्लैनेट, फॉल्स। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं बेटा? 8 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ द फ्लावर। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के नेम दिए हुए हैं, स्पेलिंग्स दिए हुए हैं, उनको आपको ठीक करके लिखना है। तो सबसे पहले है स्टेट द फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ये स्टेट फ्लावर है, ठीक है, मतलब उनके इस अरुणाचल प्रदेश का मुख्य फ्लावर है। कौन सा है? ये ऑर्चिड्स। ऐसे ही गुजरात का जो स्टेट फ्लावर है वो कौन सा है? मैरी गोल्ड। आंध्र प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है वो है वाटर लीली, और पंजाब का कौन सा है? लोटस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे एक पज़ल दी हुई है, आपको इसको सॉल्व करके यहाँ पे नीचे लिखना है। इट बूस्ट ब्रेन पावर, हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाता है कौन? सबसे पहले नंबर पे बनाना। लार्जेस्ट लैंड एनिमल, मैं बता चुकी हूँ सबसे लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है बेटा? एलिफेंट। ए बर्ड डैट कैन फ्लाई इवन बैकवर्ड, अभी बताया था मैंने कि सबसे छोटा बर्ड है ये, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन भी मूव करता है, तो कौन सा आएगा? ये हमिंग बर्ड। फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है बेटा? चीता। फीवर विच वन गेट्स ड्यू टू द मॉस्कीटो बाइट, एक फीवर जो कि मॉस्कीटो के काटने से होता है, तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है क्ल्यू वो किसका है? मलेरिया। फिर आता है कीप इट इन द माउथ, अगर आप इसको मुंह में रखते हो तो आपको टूथेक यानी कि दांत दर्द में आराम मिलता है, तो क्या चीज़ है वो? क्लोव, लौंग भी जिसको बोलते हैं हम। रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का रिच सोर्स, सबसे रिच सोर्स क्या है? सनलाइट, जहाँ से आपको ईजिली मिल जाता है। ओके बेटा, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब आपका जीके का जितना सिलेबस मैंने सितंबर तक कराना था वो डन हो गया है। अगर आपको किसी में कुछ भी प्रॉब्लम है, जितने भी पेजेस मैंने कराए हैं उतने ही आपको लर्न करने हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू डियर किड्स।